हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चांद पेंटिंग में। आज हम बनाने वाले हैं सबको पसंद आने वाले रसगुल्ले। लेकिन यदि घर पर रसगुल्ले बनाते समय आपके रसगुल्ले फट जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं या फिर स्पंजी नहीं बनते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए रसीले रसगुल्ले बनाते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए 1 लीटर मिल्क लिए हैं और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। देखिए, हम गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए और ये हमारा मिल्क गर्म हो गया। अब इसे हम उतार लेंगे और इसे 2-4 बार हम इसे इसी तरह से चला के इसमें हम नींबू का जूस डालेंगे। आप विनेगर भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस आप जितना लीजिएगा उसी के अनुसार उतना ही आप इसमें वाटर डालिएगा और इसे मिल्क में धीरे धीरे डालते जाएंगे। धीरे धीरे चारों ओर फैलाते हुए हम डालेंगे और ये अपने आप फटना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, हमारा मिल्क फट के तैयार हो गया। हो गया ना, मिल्क से वाटर अलग, बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से फट गया। अब इसका हम छेना निकाल लेंगे। हम छेना निकालिए, देखिए एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर में अपने मिल्क को डाल दीजिए और छेना ऊपर हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। और इसी तरह अच्छा से दबाते हुए छेना को हम निकाल लेंगे। अब छेना हम निकाल लिए हैं, सभी छेना को अच्छी तरह से तोड़ लेंगे और इसे हथेली की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से मैसेंगे। इसी तरह हथेली की सहायता से इसे इतना मैसेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए। 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम मैसेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैश करके इसे बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। इससे हमारा रसगुल्ला बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, हम रसगुल्ला बना लेते हैं। आधा हम रसगुल्ला पहले से हम बना लिए थे और इसे देखिए इसी तरह से हम इसे गोल गोल रसगुल्ला बनाएंगे। देखिए, और एक रसगुल्ला बना के दिखा देते हैं। इसी तरह बॉल के साइज का, छोटा बड़ा आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा बॉल अच्छी तरह से। हम 1 लीटर पानी डाले हैं और उसमें हम 1 कप शुगर डालेंगे और इसे हम उबाल आने देंगे। इसमें परफेक्ट उबाल आना चाहिए, अगर कम रहेगा तो रसगुल्ला हमारा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट उबाल आ गया है हमारा। अब हम इसमें जो बना के रखे हुए बॉल उसको हम इसमें डाल देंगे। सभी को हम इसमें डाल देंगे और इसे ढक करके रखेंगे। इसे कम से कम हम 20 मिनट तक ढक के रखेंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। देखिए, अगर इसमें आपका वाटर कम हो जाता है तो आप बीच बीच में हल्का हल्का सा वाटर दीजिएगा, जिससे इसका जो है उबाल कम नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल इसी तरह का उबाल इसमें आना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अब इसे फिर से हम ढक देंगे। इसी तरह से बीच बीच में किसी किसी समय चेक करते रहेंगे हल्का हल्का। और हम अब चेक कर लेंगे अपने रसगुल्ला को। ये रसगुल्ला पानी के ऊपर में जब तैरने लगे तो समझ जाइए कि हमारा रसगुल्ला पक गया। अगर ये बैठ जाए तो अभी कच्चा है। देखिए, हमारा रसगुल्ला पक गया। देखिए, हम सभी रसगुल्ला को बॉल में निकाल लिए, कितना सुंदर रसगुल्ला बन के तैयार हो गया। अब इसे हम आपको तोड़ के दबा के इसे दिखाते हैं। देख, बिल्कुल स्पंजी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल रसीली है। कितनी अच्छी रसगुल्ला बन के तैयार हो गई।